एंटी करप्शन बरेली की टीम ने खनन विभाग के लिपिक को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित का कहना है कि लखनऊ से खनन का आदेश कराने के बावजूद खनन विभाग के अधिकारी ने स्वीकृति देने की एवज में 3 लाख रुपए की मांग की थी। एंटी करप्शन टीम की कार्यवाही से कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। किसान रफी ने खनन करने के लिए नियमानुसार आवेदन किया था, जिसके बाद उसे सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एनओसी जारी कर दी गई थी। किसान का कहना है कि एनओसी लेकर वह खनन अधिकारी राहुल सिंह के पास पहुंचा और स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया। रफी का आरोप है कि विभाग द्वारा लगातार टालमटोल करते रहे, पिछले कई महीने से खनन विभाग के चक्कर लगा रहा था। खनन अधिकारी राहुल सिंह पर पीड़ित किसान रफी ने आरोप लगाया कि उन्होंने 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और कहा कि पैसे उनके कार्यालय के लिपिक शाहरुख को देने पर स्वीकृति लेटर जारी कर दिया जाएगा। किसान ने परेशान होकर एंटी करप्शन विभाग में शिकायत दर्ज कराई। एंटी करप्शन टीम ने प्लानिंग तय की और किसान को अवगत करा दिया। इस बीच किसान ने 20,000 रुपए देने की बात कर ली। खनन अधिकारी के मुताबिक उसने कार्यालय में तैनात शाहरुख को 500 के 40 नोट दिए। नोट पर एंटी करप्शन टीम ने केमिकल लगा दिया था। दोपहर करीब 12:15 बजे किसान से नोट लेकर गिनने के दौरान एंटी करप्शन विभाग की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। टीम आरोपी शाहरुख को सिविल लाइन थाने लेकर आई और जरूरी लिखा पढ़ी करके बरेली ले गई। हैरानी की बात यह है कि एंटी करप्शन विभाग की कार्यवाही बढ़ने के बाद भी सरकारी विभागों में घूसखोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। सर, आज एंटी करप्शन द्वारा एक बड़ी कार्यवाही करी गई है, जिसमें खनन विभाग के एक बाबू को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया, क्या है पूरा मामला? मामला यही है कि हमारे यहाँ शिकायतकर्ता, मैंने बताया शिकायतकर्ता मोहम्मद रफी आए थे, जिन्होंने शिकायत की थी कि उनसे जो है रिश्वत के रूप में 3 लाख रुपए की मांग की जा रही है। वो रिश्वत नहीं देना चाहते थे और वो जब इन्होंने ज्यादा प्रेशर बनाया तो उसमें एक बाबू है राहुल, खनन अधिकारी है राहुल, और उनके द्वारा पैसों की मांग की गई थी। तो पैसे जो है आज 20,000 रुपया जो है लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, यही प्रकरण है आज मैंने अभी बता दिया आपको। अच्छा, ये राहुल जो खनन अधिकारी है इनके कहने पर ही रिश्वत ली जा रही है? इनके कहने पर ही शाहरुख नाम का जो बाबू है उसने रिश्वत लिया था और इन्होंने कहा कि जब शाहरुख ओके कर देंगे तभी हम जो है आगे की फाइल आपकी बढ़ाएंगे। जबकि शिकायतकर्ता का कहना था कि मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, मुझसे रिश्वत क्यों मांगी जा रही, क्यों ली जा रही है। तब जब इन्होंने जब ये सब नहीं माने तब वो मजबूर होकर विवश होकर के फिर हमारे एंटी करप्शन में आया और हम लोगों ने उसको नियमानुसार टीम गठन किया। गठन करके हमारी टीम गई और वहाँ मौके पर जो है शाहरुख को 20,000 रुपया लेते हुए गिरफ्तार किया गया। शेष इनका ये था कि 2 लाख रुपए बाद में दे दिए जाएंगे। अब इन दोनों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? दोनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया है और अब इन्वेस्टिगेशन होगी और शाहरुख जो है पुलिस कस्टडी में है। कल रिमांड के लिए न्यायालय भेजा जाएगा, हमारी कोर्ट बरेली में है, कोर्ट जाएगा। ये